नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एक्सेल। दोस्तों, हम एरे फार्मूला पे डिस्कस कर रहे थे और एरे फार्मूला में हम बात करेंगे मैथ एरे ऑपरेशंस के बारे में, कि मैथमेटिक्स फॉर्म कैलकुलेशंस के लिए एरे का क्या रोल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मेरी डेली 10 से 15 वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक है कि एरे में मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सी बात हम समझा रहे हैं। नंबर्स हैं, मुझे सारे नंबर्स में जो है सबसे पहले तो मुझे सबको जो है मल्टीप्लाई करना है 3 से, हर नंबर को 3 से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। फिर मुझे उसका 80% कैलकुलेट करना है। जी हाँ, 80% कैलकुलेट करना है। 80% जब कैलकुलेट हो जाए तो फिर मुझे उसको डिवाइड करना है 5 से, 5 से डिवाइड हो जाए फिर उसमें मुझे 10 प्लस करना है, और 10 प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका सम करना है, उसका सम करना है। तो आप देखें कि मुझे सम करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आ गया 230। लेकिन इस 230 लाने के लिए मुझे इतनी लंबी कैलकुलेशन को करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन एक सेल में यहां पर हो। जी हां, एक कैलकुलेशन एक सेल में यहां पर हो तो कैसे होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। हम यहां पे सम कर रहे हैं, सम, सम में हमने सिलेक्ट कर लिया अपने नंबर्स को, इसको इसको क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, फिर इसको इसका 80% निकालना है, फिर इसको डिवाइड करना है 5 से, एंड देन प्लस करना है 10। हमने एक साथ लिख दिया बट यह रिजल्ट कोई खास नहीं आएगा, क्योंकि बोट मास मेथड को इसने फॉलो नहीं किया है। तो बोट मास मेथड फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ब्रैकेट्स में रखना होगा। आपके सामने मैंने इसको ब्रैकेट्स में रखा। मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको देखने के लिए फॉर्मूला एवलेट में जाएंगे। एवलेट फॉर्मूला में आपको यहां बताएगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इसने नंबर को अलग अलग किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहले इसने 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 255, 204, 156, 288, 222 करेक्ट आया हुआ है। फिर सब सबका इसके 80% इसने निकाला, 80% निकालने के बाद ये 204, 163, 124, 230, सेम जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया है वही हो रहा है। फिर इसने क्या किया, इसमें डिवाइड बाय 5 कर दिया तो आपके सामने देखिए 40, 32 आ गया। फिर इसने सब पे 10 ऐड कर दिया, और 10 ऐड करने के बाद जब इसका सम किया तो 230 सम हुआ। मतलब कि अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन को एरे के थ्रू करें तो हमें इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक सेल में कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ एक सेल के अंदर कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो वही एक इसकी बात हुई। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के कई सारे नंबर्स हैं, आपस में मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है, मुझे एक एक का माइनस करके फिर टोटल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ सम प्रोडक्ट का या एरे में जो प्रोडक्ट है जिससे पहले की वीडियोज में मैंने बताया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमने माइनस कर दिया और हमने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट 70 आ गया। या फिर इसको हम सम के अंदर भी कर सकते थे, सम ए माइनस और यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है मैथमेटिक्स का यूज अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हो। अब चलिए आपको हम एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि मैथमेटिकल्स
क्या होगा, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं इसको रीड करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ आइटम है और इसका कॉस्ट, तो आइटम मैं लिख देता हूँ भी कर देता हूँ। तो मान लीजिए कि आइटम है 12, 27, 9, 18, इस तरह से दिया हुआ है। अब मेरे पास डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट रेट मान लीजिए 0.15% है। अब मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है आफ्टर द डिस्काउंट। कैसे करें? तो मुझे यहां 12 का 12 नहीं, मुझे यहां का 15% कम करना है। ये हो जाएगा कि इसका 85%। तो सबका 85% कैलकुलेट करके फिर यहां पे इसको टोटल मुझे करना है। ये काम मुझे अलग अलग करने की जगह हम यहां एक्सेल पे करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे 85 की जगह पे हमने मैनुअली 85 लिख दिया, बट कुछ भी हो सकता है, 15, 16, 20, 25 भी हो सकता है। तो 100 में से उतना माइनस करना होगा ना हमें। तो यहाँ पे हमने लिखा सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में हमने सिलेक्ट कर लिया अपना रिजल्ट एंड मल्टीप्लाई बाय हमने लिखा 1 माइनस, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% लिखा है डिस्काउंट। और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसमें सम प्रोडक्ट में मारने की जरूरत नहीं होती है, आप एंटर प्रेस ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 56.10 आ गया। तो ये बेनिफिट होता है हमारा एरे फॉर्मूला का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे चैनल को बराबर चेक करते रहें। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता फिर भी एक बार इसको चेक कर लिया कीजिए। के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।